आखिर क्यों पानी में तैरने लगती है इंसान की डेड बॉडी, और ये महिला पैसे लेकर क्यों करती है मर्दों की बेइज्जती, पूरा मामला जानकर हैरान रह जाएंगे आप। एक ऐसा गांव जहां पैदा होते हैं सिर्फ जुड़वा बच्चे, और शरीर पर राम नाम का टैटू क्यों बनवाते हैं ये लोग। इस कंपनी ने क्यों दी कर्मचारियों को सोने के लिए छुट्टी, वजह जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। इस तरह के रोमांचक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर वन, हिंदू धर्म में लोग भगवान राम पर असीम विश्वास करते हैं, जबकि देश भर में रामनवमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक विशेष संप्रदाय के लोग भी रहते हैं जो अपने पूरे शरीर पर भगवान राम के नाम का टैटू बनवाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में रहने वाले राम नामी संप्रदाय के लोग प्राचीन काल से ही अपने पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं, जबकि उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों, शॉल और घर की दीवारों पर भी राम नाम लिखा होता है। राम नामी संप्रदाय के लोग ना तो मांस खाते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं, जबकि वो दुनिया को अहिंसा के रास्ते पर चलने की सीख भी देते हैं। इस समाज के लोग मूर्ति पूजन पर यकीन नहीं करते हैं और ना ही मंदिर जाते हैं, लेकिन इन्हें पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाना अनिवार्य होता है और ये उनका ईश्वर को याद करने का एक तरीका है। दरअसल प्राचीन काल में राम नामी समाज के लोगों को छोटी जात का माना जाता था, जिसकी वजह से उन्हें मंदिर में एंट्री करने और अपने मुंह से भगवान राम का नाम लेने की अनुमति नहीं थी। इस समाज के लोगों ने मंदिर और मूर्ति पूजन के बजाय शरीर पर टैटू गुदवाकर भगवान राम को याद करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है और अब ये टैटू राम नामी समाज की संस्कृति और पहचान बन चुके हैं। फैक्ट नंबर टू, जब कोई इंसान दूसरे इंसान की बेइज्जती करता है या फिर उसे भला बुरा बोलता है तो उन बातों को सुनकर सामने खड़े व्यक्ति को बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। लेकिन लॉस एंजलिस में रहने वाले पुरुषों को शायद अपनी इज्जत की कोई खास परवाह नहीं है, इसलिए तो वो लाखों रुपए खर्च करके लड़कियों से अपनी बेइज्जती करवाते हैं। दरअसल 27 साल की गीगी ग्रे नाम की मॉडल ने लॉकडाउन के दौरान ओनली फैंस नाम की वेबसाइट शुरू की थी, जो एक अडल्ट साइट है और इसमें अडल्ट कंटेंट को पोस्ट किया जाता है। इस साइट पर आने वाले पुरुषों को सब्सक्रिप्शन फीस अदा करनी पड़ती है, जबकि इसी साइट के जरिए गीगी ग्रे वीडियो बनाकर पुरुषों की बेइज्जती करती है। गीगी ग्रे पुरुषों की बेइज्जती करते हुए कहती है कि उन्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि वो किसी लायक नहीं है। इसके साथ ही वो वीडियो के जरिए पुरुषों को प्रताड़ित भी करती है, जबकि पुरुष गीगी ग्रे की इन बातों को एंजॉय करते हैं और इसके लिए उसे मोटी फीस भी देते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग गीगी ग्रे को ज्यादा आक्रामक और गुस्से वाले वीडियो बनाने को कहते हैं, जिसमें वो पुरुषों की ज्यादा बेइज्जती कर सके। लेकिन गीगी ग्रे का कहना है कि उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा कंटेंट बनाना शुरू किया था, जबकि वो लोगों की उल्टी सीधी डिमांड को पूरा करके ज्यादा पैसे कमाने का लालच नहीं करती हैं। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि पुरुष अपने बारे में बुरी और अश्लील बातें सुनना पसंद करते हैं और इसके बदले वो मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें सुबह उठकर ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यकीनन आपको देर तक सोना पसंद होगा। डॉक्टरों की माने तो अच्छी और लंबी नींद लेना सेहत के लिए अच्छा होता है, जिसकी वजह से लोगों को नींद के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 17 मार्च को इंटरनेशनल स्लीप डे मनाया जाता है। लेकिन इस दिन पर कर्मचारियों को सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भागना पड़ता है। हालांकि बेंगलुरु में एक कंपनी ने स्लीप डे के मौके पर अपने कर्मचारियों को नींद पूरी करने के लिए छुट्टी ही दे दी। होम फर्निशिंग कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को मेल भेजकर कहा कि स्लीप डे के मौके पर सभी कर्मचारियों को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए ताकि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक रहे। कंपनी ने ये भी कहा कि ऑफिस में काम के घंटों के दौरान कई कर्मचारियों को थकान की वजह से नींद महसूस होती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और काम पर बुरा असर पड़ता है। लिहाजा कंपनी ने स्लीप डे पर कर्मचारियों को छुट्टी देकर नींद पूरी करने की सलाह दी है, ताकि उनके ऊपर काम का प्रेशर कम हो और वो अपनी हेल्थ के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना करें। फैक्ट नंबर फोर, किसी भी महिला के लिए बच्चे को जन्म देना सबसे सुखद लेकिन एक पीड़ादायक एहसास होता है। वहीं एक समय पर जुड़वा बच्चे हो जाएं तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आमतौर पर जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा चमत्कारी गांव है जहां हर गर्भवती महिला जुड़वा बच्चों को ही जन्म देती है। केरल के मल्लापुरम जिले में कोडनी गाँव में 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे रहते हैं।
जिनकी शक्ल, हाव भाव और कदकाठी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। ये एक मुस्लिम बहुसंख्या वाला गांव है जहां की कुल आबादी 2000 के आसपास है। इस वजह से कोटनी गांव को ट्विन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस गांव में जुड़वा बच्चे ही पैदा क्यों होते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि इस गांव में रहने वाली महिलाएं किसी शारीरिक विकारता से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन जब गांव की महिलाओं की जांच की गई तो वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, जबकि उनके द्वारा पैदा किए गए जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल ठीक होते हैं। इस गांव के लोग मानते हैं कि उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से यहां जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक इसी तरह नाइजीरिया में इग्बो ओरा गांव में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर पर कोडनी गांव का नाम आता है। फैक्ट नंबर 5, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुरुषों को लंबी कदकाठी वाली महिलाएं पसंद आती हैं। लेकिन अगर महिला की हाइट पुरुष से लंबी हो जाए तो उन्हें इस बात से भी खास समस्या होने लगती है। 26 वर्षीय रुमेसा गेलगी नाम की महिला अपनी लंबाई से पुरुषों को हमेशा बौना महसूस करवाती हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक लंबाई 7 फीट 0.7 इंच है और इस वजह से रुमेसा को दुनिया की सबसे लंबी महिला होने का खिताब हासिल हुआ है। इस लंबे शरीर की वजह से रुमेसा को काफी दिक्कत भी होती है, क्योंकि जब उन्हें हवाई जहाज में सफर करना होता है तो उनके लिए पूरी 6 सीट्स को खाली छोड़ दिया जाता है और रुमेसा पूरे सफर के दौरान उन सीट्स पर लेट कर ट्रैवल करती हैं। इसके अलावा लंबी हाइट की वजह से रुमेसा को अपने पैरों में खड़े होने और चलने फिरने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर समय व्हील चेयर पर बैठी रहती हैं और चलने के लिए स्टैंड का इस्तेमाल करती हैं। भले ही लंबी हाइट की वजह से रुमेसा को दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें कई तरह की शारीरिक तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, एक तरफ जहां ज्यादातर देशों में लोग बढ़ते वर्क प्रेशर और कंपटीशन की वजह से तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, वहीं फिनलैंड में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रहा है। एक सर्वे से पता चलता है कि इस दुनिया में फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, जहां रहने वाले लगभग सभी नागरिक बिना किसी टेंशन के जीवन जी रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस देश के लोग इतने खुशहाल कैसे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है फिनलैंड सरकार। दरअसल फिनलैंड में भ्रष्टाचार ना के बराबर है, जबकि यहाँ के सभी प्रशासनिक कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे किए जाते हैं। फिनलैंड की सरकार आम नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आर्थिक सुरक्षा और भत्ते भी देती है, जिसकी वजह से यहाँ के आम नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में एक भी इंसान बेघर नहीं है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस देश के लोग इतने ज्यादा खुश क्यों रहते हैं। इसके अलावा फिनलैंड की खूबसूरती और सुहाना मौसम लोगों को बेहतर ढंग से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि यहाँ ट्रैफिक चालान व्यक्ति की तनख्वाह के हिसाब से काटा जाता है। फिनलैंड में रहने वाले लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग शांति और खुशहाली से अपना जीवन जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि जब जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है तो मरने के बाद उसकी डेड बॉडी पानी की सतह पर तैरने क्यों लगती है। दरअसल इंसान के पानी में डूबने का सीधा ताल्लुक घनत्व से होता है, जिसकी वजह से भारी चीज पानी में अंदर की तरफ डूब जाती है। जब इंसान जिंदा होता है तो उसके शरीर का भार यानी घनत्व ज्यादा होता है और इसी वजह से उसके पानी में डूबने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं मृत्यु के बाद इंसान के शरीर के अंदर विभिन्न गैसें उसके शरीर को फुलाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से शरीर का आयतन बढ़ने लगता है। इस वजह से मनुष्य के मृत शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है और शव पानी की सतह पर तैरने लगता है। ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर सिर्फ इंसान का मृत शरीर ही तैरता है, बल्कि लकड़ी, कागज, पत्ते और बर्फ भी पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि पानी में भारी चीज डूब जाती है, जबकि हल्की चीज सतह पर तैरने लगती है और मृत्यु के बाद इंसान का शरीर हल्का हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, आपने लाइब्रेरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो स्कूल और कॉलेज के अलावा कई शहरों में देखने को मिलती है। इस तरह की लाइब्रेरी से किताब उधार ले सकते हैं, जिसके लिए एक लाइब्रेरी कार्ड बनता है और इस कार्ड के लिए ग्राहक को कुछ पैसों का भुगतान भी करना पड़ता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क में एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जहां किताब नहीं बल्कि इंसानों को उधार लिया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। डेनमार्क के कोपेनहेगन में ह्यूमन लाइब्रेरी को साल 2000 में शुरू किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से शुरू किया गया आंदोलन है जिसका मकसद आम लोगों में बातचीत को बढ़ावा देना और गलतफहमी को दूर करना है। इस ह्यूमन लाइब्रेरी से विभिन्न लोग जुड़े हुए हैं जो अन्य लोगों से बातचीत करने और उन्हें सलाह देने का काम करते हैं। ये ह्यूमन लाइब्रेरी की शाखाएं दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में हैं, जहां आम लोग स्वयंसेवी मनुष्यों को उधार ले सकते हैं और उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इससे न सिर्फ लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं बल्कि वो अकेलेपन और तनाव जैसी परेशानियों से भी खुद को बचा पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।